तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, पोएट्री का। ओके, जैसे आप जानते हो कि चैप्टर आपका 10 है, बट इस सेशन में, केवल इस एक वीडियो में, मैं पोएट्री का 5 चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, और इससे बाहर तो भाई नहीं आने वाला है। ठीक है, पूरे के पूरे हिंदी के साथ भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचे। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर नहीं करेंगे और चैप्टर 5 तक करेंगे पूरे के पूरे। आपको भागना नहीं है, पूरा का पूरा आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है ना, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हो। हु इज कॉल्ड द पानीर ऑफ मेटाफिजिकल। सुनिए, जैसे ही मेटाफिजिकल पोएट्री का बात किया जाएगा, मेटाफिजिकल, तो मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता था, जॉन्डन। ठीक है, या कहा जाता है जॉन्डन को, इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, मेटाफिजिकल, ठीक है ना, मेटाफिजिकल किसको बोला जाता है, मेटाफिजिकल जॉन्डन को बोला जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरा बात, दूसरा जो क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। अभी हमने जो पढ़ा जॉन्डन का नाम, वही लिखे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो कहां से बिलोंग करते हैं जी, तो ब्रिटिश का ही भी, ब्रिटिश भी दे सकता है, लंदन भी दे सकता है, इंग्लैंड भी दे सकता है, बट कोई एक ही देगा, आपको ये याद रखना है। तो जॉन्डन विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको लाइन पूछा जाता है कि उसमें से बीच में मतलब बीच के लाइन को उठाकर कि ये लाइन कौन से चैप्टर का है। जैसे दिया हुआ है, द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर, मतलब नॉट इन द होप, ठीक है, नहीं मुझे ये आशा है कि ये दुनिया, ये संसार तुमसे ज्यादा प्रेम मुझे, सच्चा प्रेम। फ्यूचर का मतलब जब आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो ट्रू लव, मतलब फ्यूचर लव का मतलब ट्रू लव, सच्चा प्रेम मुझे ये दुनिया तुमसे ज्यादा कर सकता है। तो ये जो लाइन लिया गया है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हो का है। ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हो का है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट। ठीक है, ये भी कौन से चैप्टर का है बाबू, तो ये भी हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हो का। मतलब हमने चैप्टर बाय चैप्टर लिया है, और ऐसा लिया है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, आपको इतना ध्यान रखना है। इस इतना पढ़ लीजिए, आपको बस इससे काफी नहीं है। जॉन्डन इज ए पोएट, अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 कि जॉन्डन को कैसा पोएट कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल। हालांकि और दिया है, नेचर, रोमांटिक, पेसिमिस्ट, बट ये सब नहीं है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट इन्हें जाना जाता है, मेटाफिजिकल के रूप में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विच टाइप ऑफ लवर, देखिएगा, नेवर पार्ट वे, इस चैप्टर में किस टाइप के लवर अलग नहीं होते हैं। ठीक है, रोमांटिक लवर्स, नोबल लवर्स, ट्रू लवर्स या क्यूट लवर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू लवर्स अकॉर्डिंग टू, ओके, दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू जॉन्डन, ट्रू लवर्स नेवर पार्ट वे, ओके, कभी भी अलग नहीं हो सकते। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, वो कौन सा मतलब थिंग है कि जो सन के पास नहीं, बिकॉज वी नो इस चैप्टर में जॉन्डन जो है ना, ठीक है, जो जॉन्डन है वो अपना कंपेयर किससे करते हैं, तो सूर्य से करते हैं, एक मेटाफर के रूप में। ठीक है ना, एंड ही आल्सो से दैट आई एम सुपीरियर टू सन, वो भी बताते हैं कि मैं सूर्य से भी ज्यादा बढ़िया हूं। तो ये कौन, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कौन सा चीज है जो सन के पास नहीं है। तो एबिलिटी एंड विश ऑप्शन में है, सेंस एंड लव, सेंस एंड डिजायर,
ये जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो सूर्य के पास ना तो सेन है, सेन से बुद्धि और ना ही इच्छा है, ठीक है। इसमें बताया रहे हैं कि मैं सूर्य से भी, मतलब देखिए अपने बिलव्ड को कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, ठीक है ना। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा कर लिखना, एग्जेगरेशन, एग्जेगरेशन विल बी द राइट आंसर, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Who cannot add another hour when good fortune fall? कौन मतलब समय को नहीं ऐड कर सकता है, यदि टाइम बीत जाए, अच्छा समय बीत जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, लवर मैन, ठीक है ना, बिलव्ड पोएट। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैन, इसमें एक लाइन है, ठीक है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैन इज वेरी फीबल, ठीक है ना, मैन पावर इज वेरी फीबल, आदमी का जो शक्ति है ना वो बहुत कमजोर होता है। इसमें ये बता रहे हैं आदमी का शक्ति कमजोर नहीं होता है, क्योंकि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी टूट जाता है, ऐसा नहीं है कि आदमी का शक्ति कमजोर होता है, बट जो टाइम होता है ना, समय, वो आदमी को क्या कर देता है, कमजोर बना देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन मैन विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। द सन हैज नो हाफ बट, अब अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, मतलब सन के पास हाफ वे नहीं है, कोई मतलब बीच का रास्ता नहीं कि वो आधे रास्ते से आ जाए, लेकिन किसके पास है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि पोएट में कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए पोएट कह रहे हैं कन्विंस, मनाने के लिए कि मेरे पास, ठीक है ना, हाफ वे भी है, मैं हाफ रास्ते से भी आ सकता हूं, ठीक है, तो पोएट विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, द स्पीकर्स ब्लड डिके वेन द बिलव्ड, देखिए इसमें दो चीज को याद रखना है, ठीक है, एक तो ब्लड डीके उनका होता है, ब्लड डीके, ठीक है, और एक इनका जो आत्मा है ना इनसे बाहर जाने लगता है, जब ये साई करती है तो इनका सोल अवे होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा बाहर जाने लगता है जब आहे भरती है, और जब ब्लड डीके कब होता है, जब ये बहुत ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, यानी वीप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन शायद इसी टाइप का है, ठीक है ना, द स्पीकर सोल, देखिए द स्पीकर सोल गो अवे विद द बिलव, गो अवे मतलब क्या होने लगता है जी, स्पीकर सोल गो अवे, कब इनके आत्मा इनसे दूर जाने लगता है, जब ये साई आहे भरना, आहे सिसकी भरना, ठीक है ना, चलो ओके, एकदम इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। जॉर्डन वॉज बॉर्न, तो इनका बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था, 1572 में, याद रखिएगा 1572 एंड 1631 में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो 14, हु इज द बिलव्ड इन द पोएम, इनके बिलव्ड का प्रेमिका का नाम क्या है, एने मॉर, ठीक है ना, एने मॉर इनके बिलव्ड का नाम है, ठीक है, एने मॉर, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जॉन्डन इज वेल नोन फॉर, इन्हें जाना जाता है किसके लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जब आप ये पढ़िएगा इंट्रोडक्शन ना, तो ये सब बातें लिखा हुआ है कि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए ना, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए इन्हें जाना जाता है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, फ्री वर्स के लिए नहीं, नहीं नैरेटिव के लिए, ठीक है, इन्हें ज्यादातर सॉन्ग्स गाने, और सोनेट्स का मतलब 14 लाइन का पंक्ति होता है। अब चलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, ये दूसरा चैप्टर है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर। वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जानते हैं, ये एक अमेरिकन पोएट है, याद रखिएगा अमेरिकन पोएट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सभी पोएट के बारे में कि कौन पोएट कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, कौन पोएट कहां से बिलोंग करते हैं, ये चीज एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। चलो वाल्ट व्हिटमैन, विच ईयर वॉज वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था, तो आप पढ़े होंगे तो 1819 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, पूरा का पूरा आपको कवर अप करना है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। विच ईयर वाल्ट व्हिटमैन डाइड, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो ये आपको जवाब देना है,
इनके मृत्यु का जवाब आपको देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम डाई बता दे रहे हैं, मृत्यु बता। अच्छा, ये और कैसे पोएट है, इन्हें कैसे पोएट के बारे में जाना जाता है, ये भी आपको जवाब देना है, ठीक है। ओके, आंसर तो इसमें है, ठीक है ना, बट आपको जवाब देना है, तब हम जानेंगे, पूरा वीडियो देखे हो। Who is the speaker of the poem? अब स्पीकर का मतलब इसमें स्पीकर कौन है जी? कवि तो खुद यहाँ वाल्ट विटमैन, क्योंकि सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का मतलब ही होता है खुद के द्वारा गाया गया गीत, ठीक है, सॉन्ग। चल अगला, इन विच ईयर द फर्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, फर्स्ट एडिशन कवि का आया था लीव्स ऑफ ग्रास, तो 1855, याद रखना है आपको, याद रखना है 1855 में इनका पहला जो बुक था, कहिए एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास आया था, ठीक है। चल, लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ, अभी देखिए उल्टा क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। इसमें तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि मतलब देर करे, जो देखो जैसा क्वेश्चन है ना उतना हम लोग को टाइम लेना है, क्योंकि ज्यादा टाइम लेने से हम लोग को कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो समझाने लायक होगा आई विल, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत ले। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है ये पूछा जा रहा है कि कौन से चैप्टर का है, आई सेलिब्रेट, मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूँ, खुद में गाता हूं, तो भैया ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, खुद में गाने का, खुद में मान लीजिए सेलिब्रेट करने का बात आएगा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चल, हाउ ओल्ड इज द पोएट, मतलब इस चैप्टर में ये बताए हैं कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मैं अभी 37 साल का हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हेल्थ अभी अभी ठीक है ना स्टार्ट हुआ है, यानी इन सभी लाइनों से ये नेचर को भी धन्यवाद देते हैं, तो ये नेचर पोएट भी इन्हें कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें एक ब्रदरहुड के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, जो ब्रदरहुड होता है ना उसके बारे में, भाईचारे के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ये बताते हैं कि जैसे मैं सेलिब्रेट करता हूं आप भी कर सकते हो। अगला, ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट विटमैन आल्सो वर्क है, मतलब सिविल वार के दौरान वाल्ट विटमैन ने किसना किसका काम किया, सोल्डर का, मतलब सोल्जर का किया, डॉक्टर का किया, वॉलेंटियर या नर्स या लेर, तो हम पढ़े हुए हैं कि वॉलेंटियर का काम इसने किया था, ठीक है, इन्होंने वॉलेंटियर का काम किया था, ठीक है, द वॉलेंटियर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, मतलब कहां से, तो ये तो शुरू में ही पढ़े हैं कि ये अमेरिकन पोएट है, पता है ना, ये अमेरिकन पोएट है आपका, याद रखना है, बहुत ही मजेदार सेशन है ये, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, होपिंग टू सीज नॉट टिल्ड, ये लाइन ना माय डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, होपिंग टू सीज, होपिंग का मतलब आशा करना, सीज मतलब रुकना, Hoping to cease not till death का मतलब हुआ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा मृत्यु हो जाए, ठीक है, यानी हमारा ये कौन से चैप्टर का है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, थीम का मतलब क्या, इस चैप्टर का जो मेन थीम है, ठीक है ना, जिस मतलब जो मेन हम लोग कह सकते हैं, इस चैप्टर को नहीं होता है कि पढ़कर हम लोग क्या सीखे, ठीक है, तो इसका अर्थ है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है ना, ये भाईचारे को बताया है, ठीक, इसमें भाईचारे को ये बता रहे हैं। वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड, लीजिए जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे इसका तो आंसर इसी में है, तो इन्हें क्या सा नेशनल पीपुल्स, ठीक है, तो ये पीपुल्स पोएट कहा जाता है, पीपुल्स पोएट लोगों का कवि, याद रखिएगा, पीपुल्स पोएट, रिवोल्यूशनरी पोएट नहीं होगा ना तो नेशनल पोएट होगा, इन्हें कहा जाता है पीपुल्स पोएट। इन हाउ मेनी सेक्शंस, ठीक है, इन हाउ मेनी सेक्शंस, ये देखिए कंप्लीट पोएम जो है ना सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का, ये 52 सेक्शंस में है, ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, ये तो चैप्टर का ही नाम है भाई, Now the leaves are falling very fast. ठीक है, now the leaves are falling fast. यानी क्या हो जाएगा? Fast. अच्छा, rapidly भी है. Rapidly का मतलब ही होता है तेज.
बट हमारा क्या हो जाना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है फास्ट बताया गया, इसलिए हमारा फास्ट हो जाएगा। Who has written the poem? Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. किसने लिखा है जी? W.H. Auden. John Donne और तो हम लोग पढ़े लिए कि John Donne कौन सा चैप्टर लिखे थे? Sweetest Love, Walt Whitman दूसरा और W.H. Auden तीसरा। John Keats 4 चैप्टर लिखे हैं, ठीक है ना? John Keats को romantic poet भी कहा जाता है। अच्छा जी, W.H. Auden won the prize in 1948. देखिए 1948 में कौन से प्राइज जीते थे, तो ये पुलिटिजर प्राइज जो अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है ना, जो कहां दिया जाता है जी, अमेरिका में। ये प्राइज इन्होंने 1948 में जीता, हालांकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, बट 1949 में ये इंग्लैंड छोड़कर कहां चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, ठीक है, अमेरिका चले गए थे। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। The line and the prams go rolling on, ये जो लाइन है and the prams go rolling on, prams का मतलब आप पढ़े होंगे, prams का मतलब जैसे बच्चे का जो सीखने का चारपहिया वाहन होता है उसको बताया गया है, रोलिंग ऑन का मतलब कंटिन्यू। ये कौन से चैप्टर से है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये भी ट्रेवलर्स का मतलब क्या, यात्री, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब क्या, अंतिम यात्रा में, तो ये भी कौन से चैप्टर, ये तो लास्ट ही स्टैंजा है, लास्ट ही लाइन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब ये। एक बार आप सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब। विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल, अब इसमें बताया गया कि विस्परिंग नेवर प्लक अस फ्रॉम द रियल, क्या रियल डिलाइट, मतलब विस्परिंग नेवर जो है ना, विस्परिंग नेवर का मतलब हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, मौत के यमदूत, ठीक है ना, मौत के सौदागर, जो भी आप कहिए, मैसेंजर ऑफ डेथ, वो हमारे अगल बगल में रहते हैं। तो डिलाइट प्लक अस, हम लोगों से प्लक करते हैं, अलग करते हैं हमारे वास्तविक खुशी को। जब देखिए आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो कब मर जाएगा, कब मतलब उनके मरने का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, एक ज्यादा होता है। व्हाट डज द पोएट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट, किसके बारे में इनएक्ट करते हैं, तो ये आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़े हैं, ये फ्रस्ट्रेशन के बारे में इनएक्ट करते हैं, बताते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो भी मनुष्य के अंदर एक हताशा निराशा है ना, उसके बारे में ये बताते हैं, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड विल नॉट कम, देखिए नाइटिंगल का बात हो रहा है और एंजल का, इसमें ये भी पूछ सकता है कौन डम्ब है, तो नाइटिंगल, कौन नहीं आएगा, तो एंजल, देवदूत नहीं आएंगे, ठीक है। जब आदमी का एज देखिए हो जाता है, जब वो मौत के कगार पर होता है ना, तो भगवान भी उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। फॉर विच क्रिएशन ओके वाज W.H. Auden द पुलिटिजर प्राइज, कौन से मतलब किताब के लिए, आप समझिए कलेक्शन के लिए, द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, द एज ऑफ एंग्जाइटी, यही एक बुक है, मतलब कलेक्शन है बुक का, जिसके लिए पुलिटिजर प्राइज मिला है इनको, कब, 1948 में, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ओके चल अगला। नेवर सीजेज आवर सोल, नेवर सीजेज आवर सोल, द विस्परिंग नेवर, विस्परिंग अभी तो बताएं, विस्परिंग नेवर का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ, वो हमारे सीज कर देता है, बंद कर देता है हमारे आत्मा को, एक तरह समझिए, तो विस्परिंग नेवर हो जाएगा। ट्रॉल्स इज अगली क्रिएचर, ट्रॉल्स के बारे में बात किया जा रहा है, ये जो, ठीक है, कैसा वर्ड है, मतलब कौन से माइथोलॉजी में, तो स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन आप जानते होंगे, स्कैंडिनेवियन एक मतलब भाषा है, ठीक है ना, तो उसी से ये लिया गया, उसी का क्रिएचर है। 41 नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, नर्सेस टू द ग्रेव, ये कौन से चैप्टर का है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, किसके बारे में बताते हैं, प्लैनेट अर्थ, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्स, ये मानवता के बारे में बताते हैं, ये ह्यूमैनिटी के बारे में बताते हैं।
ठीक है ना, ह्यूमिनिटी विल बी द राइट आंसर। हु इज डम्ब इन द पोएम, अभी हमने पढ़ा है कौन डम्ब है, तो अभी तो हमने पढ़ा है कि चैप्टर में नाइटिंगल क्या है, डम्ब है, ठीक है। डम्ब का मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, याद रखना है। और कौन नहीं आएगा, एंजल, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, फिर से वही देखिए, इज फ्रॉम, ये भी कौन से चैप्टर से लिया गया है जी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इजी है, यदि आप चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आप इसे बता नहीं सकते हैं। देखिए, जॉन किट्स वाज ए एन पोएट, किस टाइप का पोएट है जॉन किट्स, रोमांटिक पोएट। आपको जॉन किट्स का, ठीक है, मृत्यु और इनका बर्थ और इनका डेथ कमेंट करके बताना है, कब मरे थे और कब, मतलब कब जन्म लिए थे और कब इनका मृत्यु हुआ था, ये दो चीज आपको बताना है, ठीक है। वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न, ये हम बता देते हैं कहां हुआ था, मूनफील्ड लंदन, ये लंदन सब में है बट याद रखिएगा मूनफील्ड लंदन जगह का नाम है, मूनफील्ड लंदन विल बी द राइट आंसर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जन्म इनका कब हुआ आपको कमेंट करना है और कब मरे ये भी कमेंट करना है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स क्या थे जी, क्या थे, बैंकर, टीचर, सर्जन, लैक। आप देखिए, सबसे पहला बात जो है, ये जो क्वेश्चन है ना कि जॉन किट्स क्या थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो तो इसी में आंसर, ये चार ऑप्शन ही है, ठीक है। एंड गैदरिंग स्वैलोज, देखिए गैदर, ये सबसे ज्यादा बार लाइन पूछा हुआ है, गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काई, ये कौन से चैप्टर का है, तो ये आपका कौन सा चैप्टर का है जी, चैप्टर फोर, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है, जिस चैप्टर का नाम है क्या जी, ऑटू ऑटम, ऑप्शन नंबर सी। Which season is called the season of mellow fruitfulness? कौन से सीजन को mellow fruitfulness का मतलब पका हुआ फलों का सीजन है। हालांकि इस चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे तब पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि फल के बारे में बात किया, कुछ सर्टेन फ्रूट्स के बारे में, तो ये हो जाएगा क्या, mellow fruitfulness which season, तो autumn का बात किया जा रहा है भाई, ये ना कि आप स्प्रिंग कर देना क्योंकि चैप्टर तो स्प्रिंग वाला है ही नहीं क्लास 12 में, हालांकि एक बार स्प्रिंग से कंपेयर जरूर कर रहे हैं। ऑटम इज कंस्पायरिंग विद, किससे कंस्पायर, योजना बना रहे हैं टू लोड, लोड करने के लिए और ब्लेस करने के लिए, तो सन से, सूर्य से, ठीक है, जब आप पढ़े होंगे तो याद होगा सूर्य से ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, योजना बना रहे हैं। Where does the vine run? Vine का मतलब समझते हैं ना, लतर वगैरह, वो कहां, ठीक है, रन करते हैं कहां, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पड़ा हुआ है, थैच, थैच का मतलब घास पूछ झोपड़ी, जो भी आप कहिए, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, थैच, ये पोल, वाल, बंबूज, ये सब नहीं होगा, थैच। हमारे यहां भी जब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, जैसे लौकी, गॉड को ले लीजिए, तो वो कहां होता है, थैच पर ही होता है। Who is the close friend of matching sun? तो यहाँ sun का friend कौन है? Autumn है, ठीक है ना? Autumn हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा fast इसलिए कर रहे हैं कि कुछ इसमें जब आप पढ़ लिए होंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। Who think that warm days will never cease? कौन सोचता है कि कभी भी warm day जैसा दिन खत्म ना हो, गर्मी, मतलब इसमें मधुमक्खी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? Beach. क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दिस विल बी द राइट आंसर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, क्रॉप्स कहां है स्टोर्ड, तो आप पढ़े होंगे पहले लाइन में, स्टेंजा में, ग्रेन बी फ्लोर, और ये भी याद रखना है कि चैप्टर में दूसरा स्टेंजा में, ठीक है, जो पोएट है जॉन किट्स, ये ऑटम को एक वुमैन से कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रेन बी फ्लोर हो जाएगा अनाज वाले फ्लोर। ऑटम इज कंपेयर टू, अच्छा ये तो आ ही गया जी, ऑटम इज कंपेयर टू ए, इस चैप्टर में क्या, तो वुमेन हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन ए हाफ रिफ्ट, ठीक है, फ्यूरो, तो याद होगा आप लोग को, डांसिंग, स्लीपिंग, बताइए क्या हो जाएगा, सिंगिंग, स्लीपिंग। वो एक फूल होता है ना,
उस फूल को सुनकर ये स्लीपिंग कर रहा है, कर रही है मतलब लेडीज के रूप में, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्लीपिंग हो जाएगा। लाइमिया एंड हाइपेरियन, ये बाबू दोनों बुक याद रखिएगा, ये जॉन किट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जॉन किट्स। और ये एक लाइन आप बताइए कौन लिखे थे, कमेंट करिएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये लाइन कौन पोएट लिखे हैं ये आपको कमेंट में बताना है, आपको कमेंट में बताना होगा इसको, ठीक है। चल, विच इज द नेशनल पार्ट ऑफ इंग्लैंड, देखिए इसमें नहीं दिया गया है बट आप जब पढ़े होंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो आप उसमें रॉबिन के मतलब रॉबिन पक्षी के बारे में सुने होंगे, द इंग्लिश बर्ड मतलब इंग्लैंड का, ठीक है ना। तो रॉबिन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला, ट्विटरिंग, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, ट्विटरिंग स्काई मतलब क्या है, व्हाट इज द ट्विटरिंग, कौन ट्विटरिंग करता है, स्वैलोज, स्वैलोज के बारे में इसमें बात किया गया है, स्वैलोज के बारे में बात किया गया है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए नंबर। एंड एपिटाफ, एपिटाफ कौन लिखे हैं जी, एपिटाफ बताओ बताओ, जॉन कीट्स, रूपर्ट ब्रूक, वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर, वाल्टर याद रखिएगा, याद रखिएगा, वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873, 1873। अब इनका आपको मृत्यु बताना है, ठीक है, इनका मृत्यु, हम इसलिए डेट दे रहे हैं ना कि आप कॉपी में लिखो लिखो, इनका मृत्यु आपको बताना है, ठीक है, इनका मृत्यु आपको बताना है, ठीक है, इनका मृत्यु आपको बताना है। इनको एक प्राइज भी मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू कहां से, तो भाई ये इंग्लैंड, कहां से, इंग्लैंड, अमेरिका, देख रहे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अवेयर, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर, ये किस चीज से अवेयर करते हैं, पॉवर्टी, गरीबी से, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ड्रीम्स या लंदन लाइफ, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ मतलब जो मॉडर्न जीवन का अमानवीय है ना कंडीशन स्थिति, उससे हम लोग को ये अवेयर करते हैं, सचेत करते हैं, ठीक है। वाल्टर डिलामेयर को कौन सा प्राइज मिला था, अब भी तो बताए, ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, 1953 में, कौन दिया था ये कमेंट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, लेकिन ये हिंट के लिए बता दे सेकेंड, अब कौन सेकेंड रानी थी इंग्लैंड की आपको बताना है, जितना क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क पूरा बताना है। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू, ठीक है, कौन कंट्री, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये आप पढ़े होंगे, सी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री का बात हुआ है, वेस्ट का बात हुआ है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर, कौन सा, देखिए, द प्रिंसेस लामिया, पीकॉक पाई, याद रखिएगा, पीकॉक पाई इनका लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार वर्क है, वर्क का मतलब क्या है, रचना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, ये देखिए लाइट ऑफ स्टेप का मतलब, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का अर्थ होता है ना एक ऐसा, ठीक है, वाज सी लगाए हैं मतलब ये एक ऐसा नारी थी जिसका मन एक जगह नहीं रहता था, ठीक है, मतलब विचलन करने वाली स्त्री हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कौन से लाइन मतलब कौन से चैप्टर का है, एंड एपिटाफ, एंड एपिटाफ, द लाइन आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि ये मतलब ये एक तरफा प्रेम करते थे इतना समझ लीजिए। तो हमारा इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, एन एपिटाफ, ओ आई थिंक सी वाज द मोस्ट, मतलब ये कह रहे कि मैं जहां तक सोचता हूं कि ये सबसे सुंदर स्त्री है। वो होता है ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, आपको किसी से भी हो जाएगा मोहब्बत तो आप मतलब वो आपको सुंदर ही लगेगी। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, 71 क्वेश्चन था आपके लिए, इसमें तीन या चार क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया है, एंड आई होप कि पूरा का पूरा आप सभी आंसर दीजिएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद।